Jayant flatly denies that we have been secretly trying to solve world problems, family issues, or diarrhea just by playing the guitar or tap dancing. We, however, do have a foolproof plan on how to make a perfect aloo paratha consuming witch. Vanya Mishra might be able to fake her answer on how to solve world problems in the Miss Universe contest. Jayant. Another episode of Jai Hind. गर्मी बढ़ रही है, बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं और ट्रेनों में तत्काल का टिकट पाने के लिए भी यज्ञ करने के दिन फिर आ गए हैं। पर सच कहूं, ये जो कहते रहते हैं ना कि इतने सारे लोग, मतलब नेता लोग, कि हम लोग 2020 में सुपर पावर बन जाएंगे, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है हम लोग सुपर पावर उस दिन बनेंगे जिस दिन सुबह तत्काल की बुकिंग के लिए रेलवे की वेबसाइट सचमुच में खुल जाएगी। 8 बजे से तत्काल शुरू होता है और 9 बजे तक वेबसाइट का होम पेज भी लोड नहीं होता। उससे तेज स्पीड से तो मुनाफ पटेल भाग लेता है। और जब सुबह 9 बजे फाइनली तत्काल बुकिंग के लिए वेबसाइट खुलती है तो सारे टिकट बुक हो चुके होते हैं। इससे ऐसा नहीं तो लालू यादव जी की पार्टी से चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। और एक ये जो दुनिया का हर आदमी सदियों से जी स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना, मुझे पता चल गया है कि जी स्पॉट कहाँ है। तत्काल बुकिंग खिड़की के पीछे, जो कभी नहीं मिलेगा। बल्कि पिछले दिनों में सिर्फ एक ही बंदे को तत्काल बुकिंग मिली है, पुराने रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी जी। ममता दीदी ने सुबह बुकिंग कराई और शाम तक रवाना भी कर दिया उन्होंने। ममता दी का प्रकोप देखकर मुझे लग रहा है टीएमसी का फुल फॉर्म तृणमूल कांग्रेस नहीं, तेरी मां की जूत होना चाहिए। बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो ममता दी पॉलिटिक्स की वो बॉब विश्वास है जिसको नमस्कार करती है एक मिनट में गोली मार देती है। नमस्कार। 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 वैसे ममता जी को आजकल फुल सपोर्ट कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन, याद है ना बोनविटा क्विज कॉन्टेस्ट वाले क्विज मास्टर। देखिए, मतलब जो बच्चे बचपन में उन्हें आइडलाइज करते थे आज सब उनसे नफरत करते हैं। और उसे ये भी समझ में आता है कि बोनविटा खाने से बुद्धि कोई खास नहीं बढ़ती। और बाकी है अभी क्रिकेट देखने के नए तरीके, श्री श्री इन पाकिस्तान पाकिस्तान और राम कपूर साक्षी तनवर के प्यार से निकला एक टॉप 10। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद गाइस, हाल ही में यूपी इलेक्शंस में इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जिन जिन एरियाज में राहुल गांधी गए वहां भी कांग्रेस को मात मिली। शायद इसीलिए मात मिली कि उन एरियाज में राहुल बाबा गए। इवन वो कौन सी जगह, भट्टा परसोल में, जहां राहुल बाबा ने किसानों के साथ मिलकर मायावती के खिलाफ आंदोलन किया था, वहां भी कांग्रेस के हाथ को किसी ने हाईफाई नहीं दिया। बोले है भैया, और गरीब होके जाओ घर में, घुस घुस के उनकी रोटी खाओ,
उनकी मंजिया लूटो। गांव वालों ने ये भी सोचा होगा कि भाई वो सपा को वोट देते हैं, नहीं तो अगले साल राहुल बाबा के साथ साथ प्रियंका बेबी को भी रोटी खिलानी पड़ जाएगी, कंगाली में आटा गीला। यंग अर्नेस्ट और फ्रेश फेस्ड अखिलेश यादव ने वादा किया है कि वो अपने टेन्योर में, मतलब अपने काल में, गुंडा राज खत्म कर देंगे। और उनका पहला कदम था गुंडों के सरताज राजा भैया को अपने कैबिनेट में शामिल करना। शायद उनकी एक गहरी स्ट्रेटजी रही होगी कि सबसे बड़े गुंडे को अपना बना लो ताकि छोटे छोटे गुंडे जो है वो अपनी अपनी औकात में रहे ना। वैसे भी अपने पिताजी के कंपैरिजन में अखिलेश के कैबिनेट पे तो सिर्फ 28 मंत्रियों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और नहीं तो क्या। और ये 28 जो है वो बाकियों से वैसी बात करते होंगे जैसे क्लास के टॉपर फेल होने वाले लड़कों से बात करते हैं, अरे घबरा मत यार, अगले साल कर लेना कोई क्राइम, मौका आएगा, अरे हिम्मत मत हारना ऐसे। सरकार का कार्यभार संभाल दी अखिलेश ने, गवर्नमेंट के एक भार को रिड्यूस कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने मायावती की सिक्योरिटी 415 आदमियों से कम करके 56 आदमियों की कर दी। शायद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की इसीलिए इतनी बजी हुई थी कि पुलिस लोगों को गुंडों से बचाने की जगह सबसे बड़े गुंडे को बचाने में लगी हुई थी। सुनने में आया है कि मायावती को अपनी सेफ्टी की बहुत फिक्र रहती थी। हाँ, अरे रहनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने जनता की इतनी सेवा की है कि कभी किसी आम आदमी से टकराई तो वो तो उनकी अच्छी खासी आरती उतार डालेगा। अपनी फोर्स में इतनी भारी कटौती के बाद अब शायद मायावती को अपना एकाध जूता खुद ही साफ करना पड़े, क्या करे भैया। अच्छा, जब से सचिन ने अपना ये 100वां शतक बनाया है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डिप्रेशन में पड़ गए हैं। उनका कहना है कि अब वो किस चीज के बारे में क्रिप करें, समझ में नहीं आ रहा। बजट की और न्यूज में गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स को बढ़ा के घर से बाहर निकलना ही महंगा कर दिया। बस फिर तो भैया वही होगा, जनता घर में ज्यादा रहेगी, मतलब अगले बजट सेशन तक इंडिया बाकी चीजों में चाइना से आगे निकले ना निकले, पॉपुलेशन में जरूर आगे होगी। राम कपूर और साक्षी तन्वर के किस सीन वाले एपिसोड के बाद टीवी की मार्केट पे गहरा असर पड़ा है। अब लोग LCDs छोड़ के वापस छोटा टीवी खरीद रहे हैं। उनका कहना है इतने बड़े बड़े लोग बड़े टीवी में अच्छे नहीं लगते। राम कपूर के शॉकर के बाद जय हिंद की टीम ने जनता के इंटरेस्ट में एक टॉप 10 की लिस्ट जारी की है। मीडिया वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस लिस्ट के किसी भी व्यक्ति को कभी किसी लव मेकिंग सीन में ना दिखाया जाए। नंबर 1, बापीदा। फॉर ऑब्वियस रीजंस बापीदा का लव सीन ऐसा लगेगा जैसे कोई खजाना लूट रहा है। नंबर 2, मिम्मो चक्रवर्ती। यह हो सकता है क्रॉस स्पीशीज सेक्स लगे। अर्नब गोस्वामी, बिकॉज अर्नब विल नॉट लेट एनीबडी एल्स कम बिफोर हिमसेल्फ, एज सून एज ही कम्स द शो विल बी ओवर। चेतन भगत, क्योंकि इनके ओ गॉड चिल्लाने में भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगे। अगले हैं महेश भट्ट, बिकॉज फॉर हिम लव मेकिंग इज जस्ट अनदर नेम फॉर अ 2 आवर लेक्चर ऑन लव मेकिंग। तो ये थे हमारे फिलहाल टॉप 5, बचे हैं 5 और वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। एक ही एपिसोड में इतना पॉन आप लोग झेल नहीं पाओगे। यंग रोमांस की खबरों में एमी और प्रतीक बब्बर ने सैफ अली खान की नकल करते हुए अपने बाजू पे एक दूसरे का नाम टैटू करा लिया। एमी जैक्सन याद है आपको, ये लड़की जो एक दीवाना था नाम की फिल्म में प्रतीक के साथ थी। प्रतीक भी देख लीजिए, ये प्रतीक। तो ये फिल्म मैं थिएटर देखने गया था तो वहां भी इसे देखने के लिए पूरे हॉल में सिर्फ एक दीवाना ही था। हाँ, तो उसी फिल्म के स्टार्स एमी जैक्सन और प्रतीक ने अपनी बाजुओं पर, मतलब अपनी बाजू पर एक दूसरे का नाम टैटू करा लिया है। प्रतीक का टैटू है मेरा प्यार मेरी एमी, और एमी का टैटू कहता है मेरा प्यार मेरा प्रतीक।
यार अभी तो ये जवान है, फिर ऐसे टैटू क्यों करवाए जिसे याददाश्त कमजोर हो? आई लव यू, क्या नाम था, हाँ मेरा प्यार मेरी एमी। और भाई टैटू कराना ही था तो प्रतीक को अपनी बाजू पे लिखवाना चाहिए था, मैं एक हिट फिल्म दूंगा। और एमी को थोड़ा लंबा टैटू कराना चाहिए था, मैं अपनी एक्सेंट ठीक करूंगी और हिंदी में बोलना सीखूंगी, नहीं तो हिंदी फिल्म में काम नहीं करूंगी। और इस टैटू को मैं दिन में 100 बार हिंदी में पढ़ूंगी। यहां से इतना बड़ा होगा टैटू ऐसे पढ़ूंगा। और बाकी अभी क्रिकेट देखने के नए तरीके, और बस भाई इतना तो देख लो पहले, हैं बजाओ। हेलो सविता, सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। कैसी है? हेलो सुमित। अरे मर जाओ, आज कौन से मूड में हो सैव्स? मैं चेक कर रही हूं कि मुझे कितना पेन होता है। पेन? आई मीन क्या चेक कर रही हूं? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता न्यूज़ का, तुम ये न्यूज बेस्ड वाले शो करते कैसे हो? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मेरी धोबी ने किसके कपड़े इस्त्री करते हुए जलाए, दूध वाला दूध देते समय भाभी को कहाँ कहाँ देखता है, सब पता है। वो दूध वाले की तो बात मत ही करो सुमित, वो रोज दूध देने से पहले मुझे। अरे छोड़ो ना यार। ये बताओ ये पेन टेस्ट क्यों, क्या, कम टू द पॉइंट। पहले रिसर्च में ये कहा जाता था कि मर्दों को औरतों के मुकाबले ज्यादा पेन होता है, और अब साइंटिस्ट्स ये कह रहे हैं कि औरतों को ज्यादा पेन होता है। ये सारे सफेद कोट वाले लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसको कितना दर्द होता है, आई मीन किसका कितना दुखता है। मर्दों को ही होता होगा ना, आई मीन तुम्हें देखकर देखो ना हमारे कितने जानने वाले दर्द से करा रहे होते हैं। ये देखो अपना बैंड देखो। अच्छा इतना अच्छा इसीलिए बजाते हैं कि तुम होती हो? हाँ। उंगली ऐसे तन जाती है उनकी, तन जाती है, अपने आप तलने लगती है। थैंक यू सुमित, थैंक यू। बट मैं सोच रही थी कि इस रिसर्च में ये बताने वाला साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन का क्यों है, और फिर उसे कैसे पता कि किसे कितना दर्द होता है, और फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि औरतों को ज्यादा दर्द होता है? अरे कुछ नहीं यार। अरे सुमित उसने तो ये भी कहा कि 47 आम समस्याओं में से 39 में दर्द महसूस औरतों को ही होता है। वो तो उसमें वो सब नहीं आता जो मैं सोच रहा था। और वैसे मर्द कितनी तरह की समस्याओं की वजह से दर्द महसूस करते हैं? बस यही तो नहीं बताया उसने, मैं भी यही सोच रही थी। अरे रिसर्चर ने नहीं बताया, लेकिन तुम्हें तो सब पता होगा ना साहब, तुम कुछ बोलो ना मर्दों के दर्द के बारे में। अब देखो सुमित, मुझे अपने रिसर्च से जितना पता लगा वो मैं बता देती हूँ। हाँ बताओ, दो बताओ। देखो जो कुछ भी चीजें मेरी लिस्ट में है मैं उसे बॉलीवुड के अंदाज में समझाती हूँ। जैसे कोई स्मार्ट सा लड़का किसी हॉट एंड सेक्सी लड़की को एजेड मैन टाइप के लड़के के साथ देखे, तो उस स्मार्ट लड़के को
लड़की के साथ वाले लड़के पर गुस्सा आएगा लाइक दिस। स्पेशली अगर लड़का ये कह रहा हो कि बड़े आराम से। इसे सुनकर पहले वाले लड़के को जो दर्द होगा उसे नापने का कोई भी मीटर नहीं बना है आज तक। हाँ, ये तो है, राइट। तो फिर और दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जब उनकी अपनी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो, तो उसके दिल में जो दर्द होगा वो किसी भी औरत के किसी भी दर्द से बहुत ज्यादा होगा। और फिर वो कहेगा, दर्द के आगे जीत है, दर्द के आगे ही जीत है। Right. और तीसरे पर वो मर्द आते हैं जो स्मार्ट तो हैं पर जिनके बाल नहीं हैं। बचपन में टीचर्स ने होमवर्क कंप्लीट ना करने की वजह से इनके बाल इतने खींचे और इस तरह से खींचे कि उस वक्त का दर्द इन्हें अब महसूस हो रहा है। तड़प रहे हैं बेचारे, इन्हें मोक्ष ही नहीं प्राप्त हो रहा। यू आर इंटेलिजेंटली इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। यू थैंक्स सुमित। और अब ये कभी मत कहना कि मर्द को दर्द नहीं होता। बाय। और बाकी अभी क्रिकेट देखने के नए तरीके और बस भाई इतना तो देख लो पहले। हैं, बजाओ। After the break, guys, Star TV ने इंडियन क्रिकेट के राइट्स अगले 6 साल के लिए खरीद लिए। मतलब कम से कम 6 साल तक तो हमारी टीम क्रिकेट खेलती रहेगी। कैसा भी खेल। Star TV ने ये क्रिकेट राइट्स पर मैच 40 करोड़ रुपए के हिसाब से लिए हैं। जी हाँ, एक मैच का 40 करोड़ भैया। हाँ, मतलब कि आपकी टीवी स्क्रीन पे क्रिकेट व्यूइंग एरिया और छोटा होने जा रहा है, सिर्फ बैट दिखेगी। हाँ, अब भैया ऐसा ही तो है ना, क्रिकेट राइट्स महंगे होते रहे और टीवी पर उसका खर्चा निकालने के लिए एड्स तो बढ़ते रहेंगे ना। हाँ, तो फिर सब जगह तो एड्स ही दिखेंगे। टीवी देखा इस तरह कुछ देखना पड़ेगा, देखिए। और 2 रन बना लिए सचिन ने। क्या क्या पापा, वो सचिन ने सहवाग है। ये लो, शैम्पू के साथ साथ नारियल तेल फ्री मिल रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। हमें तो बेवकूफ बना दिया दुकान वाले ने। कहाँ कहाँ? वो देखो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, सचिन आउट हो गया। कहाँ कहाँ? तो नीचे तो राइट में। राइट में तो करीना कपूर है, नहा रही है। तो लेफ्ट में आउट कहाँ हुआ? है तो सचिन। वो तो जूते की हेड है, थोड़ा नीचे रखो पापा। ओ, ये तो लाइट ही चली गई। ओ, लोड शेडिंग। Just couldn't miss the admiration. तो ये हाल होने वाला है, दूरदर्शन का अपडेटेड वर्जन, दूरबीन दर्शन। ये था आज का जय हिंद, एंड होप यू आर वॉचिंग अस ऑन टेलीविजन एज वेल एज द लेट नाइट शो ऑन कलर्स सैटरडे संडे 11 PM। देख लो अगर टीवी हो और वीकेंड पे सेक्स नहीं कर रहे हो तो। हाँ, देख लो। जय हिंद, बजाओ भाई। We are